दानापुर और सगरा मोड़ में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये एल शेप में होने वाला है और यहाँ पर 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी खुलने वाला है 4 स्क्रीन का। कौन सा होगा आपको बताएंगे आगे ब्लॉग में। स्विमिंग पूल, होटल, शॉप, सुपर मार्केट, एंकर शॉप देख लीजिए। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है भाई। तो अभी का ऊपर आ गया फर्स्ट फ्लोर में, बताया गया टोटल की सबसे अच्छी बात होगी कि मतलब जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको PN मॉल या फिर सिटी सेंटर जाना पड़ता है, अब उनको यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी गाइस सगना मोड़ आए हुए हैं, आपको जेवी मॉल का अपडेट देने वाले हैं। बहुत कमेंट आ रहा था तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। देख लीजिए सगना मोड़ के पास यहाँ पर संगीता टीवीएस है, आगे हुंडई का है, यहीं पर हम लोग देखिएगा जेवी मॉल बन रहा है। चल के आपको थोड़ा दिखाते हैं कितना तक इसका काम हुआ। लास्ट अपडेट लगता है मैंने इसको मार्च में दिया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं दिया होली के टाइम। 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर तक इसका काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या क्या होने वाला है यहाँ पर वो भी चल के आपको थोड़ा बता देंगे, दिखा देंगे। बाकी इस मॉल में देखिए स्विमिंग पूल भी होने वाला है, होटल भी है, शॉप भी है, सुपर मार्केट, सिनेमा हॉल भी होने वाला है। कौन सा हॉल होगा ये अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला, बट बहुत कुछ यहाँ पर खुलने वाला है। दानापुर और सगरा मोड़ में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये सिनेमा हॉल जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। 2025 इसको लास्ट डेट दिया गया है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है बिल्कुल। ये एल शेप में होने वाला है और यहाँ पर 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स भी खुलने वाला है 4 स्क्रीन का। कौन सा होगा आपको बताएंगे आगे ब्लॉग में। बाकी आप लोग ऊपर से डिज़ाइन दे सकते हैं, बहुत तेज से काम हो रहा है। काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 4-5 फ्लोर तक ये हो गया है। 9 फ्लोर टोटल इसमें होने वाला, 9 फ्लोर का ये मॉल बनने वाला है। काफ़ी खूबसूरत होगा बनने के बाद। डिज़ाइन अप्रूव्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल वही डिज़ाइन होने वाला, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। बेसमेंट 2 यहाँ पर पार्किंग होने वाला है, बेसमेंट होगा, अंडरग्राउंड नीचे भी होगा, मतलब पार्किंग के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। तो दानापुर और सगुना मोड़ में रहने वालों के लिए PN मॉल या फिर सिटी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर बगल में मॉल ही खुल रहा है समझ। मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगा कि ये पहला पटना का शायद मॉल होगा जिसमें कि आप लोग स्विमिंग पूल भी आपको मिलने वाला है। बाकी फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, ये सब कुछ इसमें होने वाला है। जो मॉल में होता है वो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं सिर्फ स्टोर वगैरह आपको दिखेगा, बाकी गेम जोन नहीं, वो नहीं, ये नहीं, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। काफ़ी बड़े स्तर पर यह मॉल बन रहा है। 2025 लास्ट डेट दिया गया है। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो 26 लेके चल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेरे को पता चला 2025 लास्ट डेट है। तो अंदर चल के बाकी आपको दिखाते हैं, ये तो पूरा ड्रोन का व्यू था। तो अभी गाइस ऊपर आ गया फर्स्ट फ्लोर में, बताया गया टोटल की 9 फ्लोर होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। अभी बिहार में समझिए मॉल पर मॉल लगातार बनते जा रहा है। जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा होने वाला है, PN मॉल है, सिटी सेंटर मॉल को नहीं जाना पड़ेगा। लिफ्ट देख लीजिए यहाँ का गाइस यही होने वाला है, वहाँ से स्टार्टिंग रहेगा चढ़ने के लिए, ऊपर तक 4 लिफ्ट, टोटल 9 फ्लोर रहेगा, फिर से आपको बता दे रहे हैं। डिज़ाइन तो काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से भी दिखा है, अप्रूव्ड जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही डिज़ाइन होने वाला है और बहुत तेज़ी से इसका काम चल रहा है। देख लीजिए उस साइड का नहीं है भाई, यही है जो आपको दिख रहा है, लास्ट टाइम उसको भी मैंने बोल दिया था, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया। बाकी अंदर जो दिखा रहे हैं उधर कुछ और काम चल रहा है, वो मॉल नहीं बन रहा है। ये देख लीजिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 9 फ्लोर तक भी बनने वाला, बहुत तेज़ से काम हो रहा है। यहाँ से स्टेयर से आप लोग जा सकते हैं, अभी तो लिफ्ट का नहीं हो, पहले आधा कंप्लीट हो जाएगा फिर लिफ्ट बाद में दिया जाएगा लिफ्ट के लिए। तो 4 स्क्रीन सिनेमा हॉल गाइस खुलने वाला है डिसूम सिनेमा का। लास्ट टाइम मेरा सब्सक्राइबर ने वो कॉमेंट करके बताया था कि हाँ डिसूम सिनेमा यहाँ पर खुलने वाला है, उसी को खुलेगा। चलिए पटना में एक नया सिनेमा हॉल आ जाएगा। बाकी ओवरऑल इसका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। सबसे अच्छी बात होगी कि मतलब जो यहाँ के लोग रहते हैं उनको PN मॉल या फिर सिटी सेंटर जाना पड़ता है, अब उनको यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। बगल ही में आपके बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, साथ में सिनेमा हॉल भी रहेगा, स्विमिंग पूल भी यहाँ पर होने वाला। चलिए सिनेमा हॉल तो बात है बट स्विमिंग पूल भी यहाँ पर होने वाला है, मतलब एक छत के नीचे सब कुछ आपको मिलने वाला और काफ़ी बड़ा स्पेस है। पार्किंग के लिए भी थोड़ा ज़्यादा जगह, पार्किंग आपको थोड़ा नीचे चल के दिखा देंगे। बेसमेंट देख लीजिए गाइस, सबसे नीचे थोड़ा डार्क डार्क आप लोग दिख रहा होगा, यह बेसमेंट है, इसके नीचे पार्किंग है। देखिए इसके नीचे जाएंगे तो एक पार्किंग रहेगा, अंडरग्राउंड पार्किंग, स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कार वगैरह अपना लगा सकते हैं। देख लीजिए और डार्क दिख रहा होगा, बहुत बड़ा बेसमेंट है भाई, आगे तक दिखाएंगे तो पूरा आपको दिखने वाला, देखिए एकदम खाली है। पार्किंग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सबसे भीड़ तो जब सिनेमा हॉल चलेगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है।
नीचे का देख लीजिए पूरा डार्क है, ये सब पानी में बाद में निकाला जाएगा, वो नहीं पता चल रहा होगा। नीचे भी है पूरा अंधेरा डार्क, नीचे लाइट नहीं है अभी। स्विमिंग पूल, होटल, शॉप, सुपर मार्केट, एंकर शॉप देख लीजिए, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है भाई। पूरा जब बन जाएगा तब देखिएगा, काफ़ी खतरनाक डिज़ाइन इसका होने वाला है, बहुत लग्जरी टाइप का होगा। जेई मॉल बिल्कुल लास्ट स्टेप में होने वाला, देख लीजिए बोर्ड पे लिखा भी गया ढिसुम सिनेमा, लास्ट टाइम दिन यही था एक्सक्लूसिव जेई मॉल से पटना पहला ढिसुम सिनेमा हॉल खुलने वाला है। पटना इज़ नाउ हाउस फुल ऑफ हैप्पीनेस, फूड कोर्ट भी बहुत बड़ा सा होगा, देखिए सबका फोटो लगा हुआ है। बाकी क्या क्या कुछ होगा यहाँ पर, नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब नंबर के पास है। ये गेमिंग जोन रहेगा हम लोग का, बहुत बड़ा गेमिंग जोन होने वाला है, गेम जोन दैट अट्रैक्ट ऑल एज ग्रुप, देखिए लिखा हुआ चलेगा। तो छोटा सा अपडेट था, फाइनली अब यहाँ से निकलने वाला है। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।